अच्छा मुझे बताओ आज जुनैद का रवैया कैसा था? वो तुमसे उलझा तो नहीं? नहीं नहीं, बस पूछ रहे थे कि तुमने मेरी अम्मी से शिकायत लगाई है या अपने घर वालों से मेरी बुराइयां की। फिर तुमने क्या कहा? मैंने कहा आप में कोई बुराई है ही नहीं तो मैं आपकी क्या बुराई करूंगी। तुम यकीन करो मैं हर वक्त अल्लाह से दुआ करती हूँ कि उसे एहसास हो जाए कि वो जो कर रहा है बहुत बुरा कर रहा है। आप जुनैद से लड़ना छोड़ दें, वो रिएक्ट करना छोड़ देगा। मैं क्या करूं बेटा, मुझसे रहा नहीं जाता। वो जब तुमसे लड़ता है या उलझता है उसने तुम्हारी किताब फाड़ दी। यकीन करो मैंने बहुत मुश्किल से सबर किया, वरना मेरा दिल तो चाह रहा था कि बस। बेटा कमरे से बाहर निकलो, जिस बंद गली में जुनैद फंस गया है ना उसे भी बाहर निकालो। मैं पूरी कोशिश करूंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद है बेटा। जी मैं सोच रही हूँ कि कल से दोबारा स्कूल ज्वाइन करना। मैं तुमसे मुलाजमत करवाना नहीं चाहती और न ही घर के काम। फिर भी अगर तुम्हारी खुशी है तो मुझे कोई एतराज नहीं, मेरी तरफ से पूरी इजाजत है तुम्हें। थैंक यू बुप्पो, थैंक यू सो मच। अच्छा तुम जल्दी से आ जाओ, मैं चाय बनाती हूँ फिर साथ में पीते। नहीं मैं बनाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, चाय मैं बनाऊंगी और तुम्हारी पसंद के पकौड़े भी। बस तुम जल्दी से कमरे से बाहर आओ, ठीक है? अरे 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 क्या हो गया, क्या हो गया? हर्षम ने तुम्हें कॉल नहीं की? नहीं। तुम्हें कुछ अंदाजा भी इस घर में क्या हो रहा है क्या नहीं? अरे बताएं हुआ क्या है? अत्या की तबीयत खराब हो गई है। अरे उनकी कंडीशन में बीवियां ऐसे नाज नखरे करती हैं, फिक्र मत कर। क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? खुद को उठे बीबी जी, पानी पिए। उठे हिम्मत करें, पानी पिए। क्या हुआ इतिया, तुम ठीक तो? पूरा पेट में ऐसा है, कुछ अजीब सा पेट। चलो उठो हम हॉस्पिटल चलते हैं। चप्पल सीधी करो माजी की, ध्यान से ध्यान से देख कर चलो। चलो मैंने तुम्हारे जूस में ऐसी दवाई मिलाई है कि तुम्हारा ये बच्चा नहीं पैदा होगा, तुम मां नहीं बनोगे।